मैं आज आपसे एक कहानी शेयर करने जा रहा हूँ। हो सकता है आपने सुने हो, पर कुछ एक वाक्य ऐसे होते हैं कि जो बार बार सुनने से भी अच्छे लगते हैं। ऐसे ही एक वाक्य है, एक लड़का था, उसे आइसक्रीम खाने का बहुत शौक था, जैसे मुझे भी आइसक्रीम खाने का शौक है, आपको भी हो सकता है, तो उस लड़के को भी था। वो आइसक्रीम खाने के लिए एक रेस्टोरेंट में गया। रेस्टोरेंट में काफ़ी रश था। उसने पास के टेबल में एक वेटर सर्व कर रहे थे, उसने उसको बुलाया, सुनो मुझे एक आइसक्रीम चाहिए इस फ्लेवर की और जिसमें थोड़ा ड्राई फ्रूट हों, उसकी कीमत क्या होगी? वेटर ने कहा कि 30 रुपीज़ के पास में है। तो लड़की ने कहा रुको, तो वो वेटरस किसी दूसरे टेबल के पास चली गई। लड़के ने जेब में से पैसे निकाले, देखा, गिने, तो वो पैसे आई थिंक सफिशिएंट नहीं थे। तो उसने दोबारा वेटर्स को इशारा किया, वो वेटर्स काफ़ी बिजी भी थी दूसरी तरफ, और फिर भी वो अपना काम छोड़ के लड़के के पास आई। उसने पूछा, हाँ बताइए क्या कह चाहते हैं आप? लड़का बोला, मुझे एक सिंपल आइसक्रीम ला दो, सिंपल आइसक्रीम का कप, उसकी कीमत क्या होगी? वो थोड़ा गुस्से से बोली, वेटर्स 20 रुपीज़ के पास होगा और आपको एक बार पता नहीं चलता। चलो एनी हो, वेटर्स ने एक सिंपल आइसक्रीम का कप उसको ला के दे दिया। लड़की ने आनंद से वो आइसक्रीम खाई और उसने वो 20 रुपये काउंटर पे जाके अपने 20 रुपये दिए, वो चला गया। वेटर्स पास के टेबल से थोड़ा फ्री होते हुए जब उस टेबल के पास आई, उसने देखा वो लड़का वहाँ पे नहीं था। उसको हैरानी हुई कि कप के पास में कुछ रखा हुआ था। उसने देखा कि वहाँ पे 10 रुपीज़ रखे थे। उसको बेहद महसूस हुआ कि वो लड़का अपनी फ्लेवर की आइसक्रीम खा सकता था, क्योंकि वो 30 रुपीज़ की कॉस्ट करती थी, पर उसने मुझे 10 रुपीज़ देने के लिए सिंपल आइसक्रीम लेनी चाहिए। और वेटरेस की आंखों में आंसू थे, क्योंकि उसने उससे व्यवहार बहुत अच्छा नहीं किया था। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, बहनों, ये ज़िंदगी में होता है कुछ। ज़िंदगी में दो तरह के लोग आपको मिलेंगे, एक तो वो जो भावनाओं में पूरे भरे हुए होंगे, और एक लोग वो जो जड़ होते हैं जिनमें भावनाओं का असर ही नहीं होता। तो आप भाग्यशाली होगी यदि आप में भावनाओं का संचार है और आप दूसरी की भावनाओं को समझते हो। जड़ होना अच्छी बात नहीं है। आपने सुना होगा कि पहली लाइफ, जो लाइफ स्टार्ट होती है, वो कहाँ से होती है? पानी से। पानी में तरलता है, पानी लिक्विडिटी है, और लिक्विड बनना, पानी हमारे शरीर में 70% पानी तरल है, पर उस तरल के होते हुए, पानी के होते हुए भी हम जड़ हो जाते हैं, ठोस हो जाते हैं, विच इज़ नॉट गुड। हमें दूसरे की भावनाओं का करना चाहिए, अस भावनाओं का मोल करना चाहिए। हमें पास वाले की भावनाओं को समझना चाहिए, तो और ये भावनाओं ही कुदरत से मेल खाती हैं, और भावनाओं का संचार कुदरत से संचार होके ही आता है। और जड़ से हमेशा हटें, जड़ से, ठोस से हमेशा हटें, तरल बने, लिक्विडिटी अपने आप में लाएं, और दूसरे की भावनाओं को समझो। समझना है। ओके, थैंक यू वेरी मच।